हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के दिन हम लोग कृष्ण भगवान को बहुत सारे भोग निवेदन करते हैं। वैसे ही एक भोग की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सूजी से बनने वाली ये मोहन भोग की रेसिपी, जिसको आप लोग भगवान श्री कृष्ण को निवेदन कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं आज की ये सूजी से बनने वाली मोहन भोग की रेसिपी। पहले मैंने गैस पे 1/2 लीटर दूध को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैंने टोंड मिल्क का यूज़ किया हुआ है। अब इस दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। जब तक इस दूध को हम लोग गाढ़ा करते हैं, तब तक जो बाकी के प्रिपरेशन है उसको कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन को चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच घी। यहाँ पे मैं मेल्टेड घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर रहे हो तो घी का जो क्वांटिटी है थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना होगा। अब ये जो घी है इसको अभी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये घी मेल्ट हो चुका है। अभी इसमें डाल देंगे काजू और किशमिश। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा काजू और किशमिश का यूज़ कर रही हूँ। ये काजू और किशमिश को अभी 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये जो काजू और किशमिश है इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये जो काजू और किशमिश है इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब जो फ्राइंग पैन में घी बचा हुआ है उसमें डाल देंगे 1/2 कप सूजी। अब इस सूजी को भी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। पर सूजी को भूनने के टाइम पे जो गैस का फ्लेम है उसको लो टू मीडियम में ही रखना होगा, नहीं तो जो सूजी है ये जल्दी से ब्राउन कलर आ जाएगा और ये जल भी सकता है। तो इसलिए गैस का जो फ्लेम है उसको लो टू मीडियम में रख के ही इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। सूजी को हमने यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सूजी का कलर है ये भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इस पे और 1 चम्मच घी इसमें डाल देंगे। आप लोग यहाँ पे भी और 2 चम्मच घी इसमें डाल सकते हो, पर मैं बाद में और 1 चम्मच घी यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। अब इसमें डाल देंगे दूध, पर पूरा दूध एक साथ नहीं इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते रहेंगे और इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे। मैंने जितना दूध डाला था उसको अच्छे से मिला लिया है और फिर से अब थोड़ा सा दूध डाल देंगे इसमें। इसको भी अब अच्छे से मिला लेंगे। मैं यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में मिल्क ऐड कर रही हूँ, पर आप लोग यहाँ पे एक साथ भी कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑलरेडी जो गांठे बने हुए हैं सूजी में उसको अच्छे से मिलाने के लिए ही मैं यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो सूजी है इसको मिल्क के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 छोटी इलायची। आप लोग यहाँ पे सिनेमन स्टिक और तेजपत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में इसमें दे दूंगी 1/2 कप शुगर। आप लोग जितना मीठा पसंद करते हो उसके हिसाब से यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल करना। ये जो शुगर है इसको भी अब सूजी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। आप लोग देख सकते हो शुगर इसमें डालने के बाद ही इसमें से पानी छोड़ना स्टार्ट हो चुका है। इसको भी अब अच्छे से एक बार मिला लेंगे। बाकी जो बचा हुआ मिल्क है अब उसको भी इसमें डाल देंगे। आप यहाँ पे केसर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच घी। इसको एक बार फिर से मिला लेंगे और इसको अभी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जो मोहन भोग है इसको बनाने के लिए घी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पर आप लोग इसको कम घी में भी बना सकते हो। और अगर आप यहाँ पे केसर मिल्क का इस्तेमाल करते हो तो उससे इसमें एक बहुत अच्छा सा कलर भी आता है। 5 मिनट हो गए हैं, अब जो ये सूजी है ये ऑलमोस्ट पक चुका है। पर ये जो 5 मिनट का वक्त हमने लिया था सूजी को पकने के लिए, इसके बीच बीच में भी इसको ऐसे चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो सूजी है नीचे से लग सकता है। इसलिए इसको बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा चलाना ज़रूरी है।
अब इसमें डाल देंगे जो पहले से हमने फ्राई किया हुआ काजू और किशमिश थे वो इसमें डाल देंगे, पर मैं पूरा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूँगी, थोड़ी सी बचा के रखूँगी बाद में गार्निशिंग के लिए। इसको भी एक बार अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तैयार है सूजी से बनने वाली मोहन भोग। ये जो मोहन भोग है उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी ठीक ऐसी होनी चाहिए। अब गैस को ऑफ कर लेंगे और इसको कर लेंगे सर्व। तैयार है आज की रेसिपी सूजी से बनने वाली ये मोहन भोग। इसको मैं एक बर्तन में सर्व कर रही हूँ। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चाहो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो आपको कौन सी रेसिपी देखना है। फिर से मुलाकात होगी आप लोगों के साथ किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।